कुछ टाइम पहले मैंने सुना कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल, जिसकी नेट वैल्यूएशन है अराउंड $3 trillion। सुनकर शोक नहीं हुआ, सोचा कि हो सकता है अब फोन ही इनके इतने महंगे हैं, पर शायद मैं गलत था क्योंकि उस वक्त तक मैंने एक कंपनी का नाम नहीं सुना था जिसका नाम था द ब्लैक रॉक, जो कि $9.7 trillion के असेट मैनेजमेंट रखती है। जी हाँ, 9.7 trillion, जो कि इंडिया की टोटल GDP का 3 गुना है। आज की डेट में जितनी भी कंपनी है उनमें से हर एक कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक से जुड़ी हुई है। ब्लैक रॉक कंपनी का फाउंड किया गया था 1988 में बाय लैरी फिंक के द्वारा, और उसके साथ ही ये नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हो ये भी साथ में थे, बट इन एक्चुअल जो फाउंडर है वो लैरी फिंक है और आज की डेट में वो CEO भी हैं और इस कंपनी के चेयरमैन भी हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होंगे, 20, 30, 50? 2021 की एक रिपोर्ट की माने तो ब्लैक रॉक कंपनी अराउंड 14,000 कंपनीज में इन्वेस्टेड है। कंपनी ने हर एक सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, फाइनेंस, सर्विस, एनर्जी, हर एक सेक्टर में इन्वेस्ट किया हुआ है। बिजनेस, अभी तक ये तो पता चल चुका होगा कि आपको ये एक वर्ल्ड वाइज इक्विटी और शेयर इन्वेस्ट करती है। इसके अलावा ये ऑडिटर भी है, काफ़ी बड़ी कंपनीज के ऑडिट करती है, कंसल्टेंसी है, अकाउंटिंग है, और साथ ही गवर्नमेंट को क्राइसिस के टाइम पर बेल आउट प्लान बनाने के लिए भी हेल्प करती है। बट ये सब तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, असली चेंजेस आते हैं तब जब ये कंपनी लॉन्च करती है अपना सॉफ्टवेयर अलादीन। अलादीन बेसिकली इनका एक सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट करता है। स्टार्टिंग में ये सॉफ्टवेयर ब्लैक रॉक के लिए ही काम करता था, बट आज की डेट में ब्लैक रॉक जितनी भी मेजर कंपनीज है, इंस्टीट्यूट है, बैंक है, सभी के लिए यूज होता है। अलादीन को बड़े बड़े बैंक कंपनीज जैसे कि JP Morgan, Amazon, Google, Microsoft, तो आप यहाँ से खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी कंपनीज इनके सॉफ्टवेयर को यूज करती है। प्राइसिंग की देखिए, प्राइसिंग की बात करें तो ये सॉफ्टवेयर आप और किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए है ही नहीं, क्योंकि बिकॉज इसे अफोर्ड करना हम सबके बस की बात भी नहीं। अलादीन को 5,000 प्लस सुपर कंप्यूटर मैनेज करते हैं 24/7। ये अकेला सॉफ्टवेयर $21 trillion के एसेट मैनेज करता है। देखिए, सबसे पहले तो कॉस्ट डिपेंड करती है कि आपकी स्पेसिफिक नीड क्या है, और इसके साथ ही काफ़ी अदर फैक्टर भी है, क्योंकि ब्लैक रॉक कंपनी ने पब्लिकली कभी अपने प्राइस डिस्क्लोज नहीं किए हैं, और अलादीन सिर्फ पोर्टफोलियो, स्टॉक, शेयर, इन सबको ही ट्रैक नहीं करता। ये आपकी डेली की चीज़ें, आप क्या करते हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ पर रह रहे हो, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी ट्रैक करता है। इसे अपने सिस्टम में प्रॉपरली इंस्टॉल करने के लिए आपको देने पड़ते हैं ₹7 करोड़। और अगर इनके ईयरली सब्सक्रिप्शन की बात करें तो साल 2021 में JP Morgan ने अराउंड ₹42 करोड़ इसके लिए दिए थे। देखिए, आप इनके प्राइसिंग में मत जाइए कि प्राइसिंग बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि कंपनी $1 trillion में काम करती है, तो इनके लिए प्राइसिंग कोई बड़े मायने नहीं रखती। इसके साथ ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि $20 billion तक की इन्वेस्टिंग ये इन्वेस्ट नहीं मानते। अलादीन रोज हर एसेट्स क्लास के 200 से ज़्यादा पैरामीटर पर जजमेंट भी पास करती है, और इसके साथ ही 65+ कंट्री प्लस 6.5 mm इसके एक्टिव यूज़र भी है, और इसके साथ इनके पास परमिशन भी है हाई एंड इन्फॉर्मेशन लेने की, टॉप ऑफ द बैंक, कंपनी, इंश्योरेंस, हेज फंड, तो दैट्स वाई ये सॉफ्टवेयर इतना हाई कॉस्ट है। तो अलादीन ने तो यहाँ पर इनकी किस्मत बदल के रख दी। कंपनी के बारे में यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्क्लोज नहीं किया मैंने, बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कंपनी के बारे में और डिटेल वीडियो बनाई जाए द ब्लैक रॉक के बारे में, लैरी फिंक के बारे में, तो नीचे आप कमेंट डाउन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर आ सकती है।